कड़कते गर्मी के बाद भी लोग बढ़ चढ़कर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। तमाम लोग हमारे साथ हैं, क्या हिंट देंगे और जो लोग अभी तक वोट डालने नहीं निकले उनको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे मानना है कि आज ये हमारे लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा पर्व है और आज जो मैंने वोट डाला है, अभी आप देख सकते हैं, मैंने ये वोट अपने देश के शहीदों के लिए डाला है, उनको समर्पित करते हुए डाला है। उन्होंने हमें देश की अपनी जान देकर आजादी दिलाई थी और हमें स्वतंत्र और निर्भीक होकर वोट डालने का अधिकार दिलवाया था। मेरा सभी नागरिकों से निवेदन है कि वो अधिक से अधिक संख्या में वोट डालें, जिससे हमारे देश में एकता और अखंडता फिर से मजबूत हो सके। और सभी लोगों से अनुरोध कर रहा हूं मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कि वोट डालने से हमारी ताकत बढ़ती है, सभी लोगों को वोट डालना चाहिए। आप क्या हिंट देंगे, क्या मुद्दे ग्वालियर के इस बार रहने वाले हैं चुनाव में? चुनाव में जो मुद्दे हैं वो तो रोजगार को है, शिक्षा को है और आपका व्यापार के लिए है। बाकी जैसा आपने अभी बताया कि वोट के लिए, तो सभी को वोट डालना चाहिए और वोट डालना सभी का नैतिक अधिकार है। और जो वैसे वोटिंग परसेंटेज काफी ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो लोग वोट डालने नहीं आए वो भी अभी वोट डालने आएंगे। और ये चुनाव एक महापर्व के रूप में है और सभी को वोट डालना चाहिए। चाचा, आप क्या हिंट देंगे, थोड़ा सा बताइएगा क्या मुद्दे हैं ग्वालियर के इस बार? कुछ ग्वालियर के मुद्दे है, अपना ग्वालियर का विकास, शिक्षा। हाँ, अब तक हुआ ग्वालियर का विकास अगर बात करें? नहीं हुआ, पर इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। थोड़ा सा हिंट दीजिए, अगर कौन आएगा तो विकास ग्वालियर का और हो सकता है? हम तो भी उम्मीद कर रहे हैं अपने प्रवीण पाठक जी से। प्रवीण पाठक जी से आपको उम्मीदें हैं। सर, एक बार अगर आप हमसे बात करें, देखिए कुछ लोग बुजुर्ग मतदाता भी हैं, थोड़ा सा हिंट दीजिएगा ग्वालियर का क्या मुद्दा इस बार रहने वाला है खास? बस सबका साथ सबका विकास है। युवा ऐसे हैं जो अभी भी घर पे हैं, कह रहे वोट देने नहीं जाएंगे, उनको क्या मैसेज देंगे? उनको जागरूकता के साथ आना चाहिए, प्रसन्नता के साथ आना चाहिए, क्योंकि राम आए हैं तो, है ना, और सर्व के देश के सर्वार्थ विकास हेतु, मतलब इनको बहुत आगे उत्साह के साथ आना चाहिए, उत्साह के साथ आना चाहिए। ग्वालियर में काम वाम हुआ है, थोड़ा सा हिंट इसको लेकर, काम को लेकर भी दीजिएगा। नहीं नहीं, काम सब जगह अच्छे हुए हैं और अच्छे होने के काफी उम्मीद है, उसकी लिस्ट भी बन चुकी है और जो कि डिक्लेयर हो चुकी है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आज के युवा के हर परिवार, हर मतदाता गण को बड़े प्रसन्नता के साथ में, उमंग के साथ में, उदारता के साथ में, भगवान के लिए तो कम से कम आना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, लगातार यहाँ पर वोटरों से लोग अपील करते हुए नजर आ रहे हैं और ग्वालियर के अंदर भी लगातार चिलचिलाती धूप में भी मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी टीम इस वक्त रिपब्लिक भारत के ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हर एक सीट से एक एक अपडेट हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाएगा नहीं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।